That is the way we think about consecration. और इसी प्रकार से हम इस समर्पण को देखते हैं. But consecration, as you read through the Word of God, is more than just saying something and giving something to the Lord. परंतु यह समर्पण जो है, जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, तो वो इससे बिल्कुल विभिन्न है जो हम कहते हैं. It is much deeper than that. वो उससे बहुत गहरा है. Consecration means we are allowing the Lord to take over. और अपना समर्पण देने का अर्थ यह है कि हम प्रभु को अनुमति देते हैं कि वो अब अपना कब्जा हम पर कर ले. Consecration is the Lord taking us over. और उस समर्पण का अर्थ यह है कि अब प्रभु के हम स्पुर्द हो गए हैं, हमने अपने आप को उसको सौंप दिया है. It is not saying, Lord, I give this to you. और ये कहना नहीं कि प्रभु ये मैं तुझे देता हूं. But consecration means the Lord taking it over. परंतु समर्पण का अर्थ यह है कि प्रभु उस पर कब्जा कर लेता है. Yes. He brings his lordship over that. उस पर अब वो अपनी प्रभुता को ले आता है. He is going to govern that from that time. और उस समय से अब प्रभु ही उसका नियंत्रण करता है. Yes. But that's not the understanding many have about consecration. परंतु इस प्रकार की समझ जो समर्पण की है बहुतों के पास नहीं. For many consecration means now I will give use it for God. बहुतों के लिए समर्पण यह है कि अब मैं दे देता हूं, इसका प्रयोग परमेश्वर के लिए किया जाए. Now I will play guitar for the Lord. और अब मैं गिटार जो है प्रभु के लिए बजाऊंगा. I have consecrated this unto the Lord. और इसको मैंने समर्पित कर दिया प्रभु के लिए. But I can keep playing wherever I want for the Lord. और जहां मैं चाहूंगा वहां जाकर प्रभु के लिए इसे बजाऊंगा. I can keep doing it. He is no more the Lord over that in my life. और मैं इसको करता रहूंगा जैसे मैं चाहूंगा, और उसकी प्रभुता अब मेरे ऊपर नहीं है. But true consecration is परंतु the Lord having his lordship over those matters in our lives. परंतु सच्चा समर्पण यह है कि अब प्रभु हमारे जीवनों पर प्रभुता कर रहा है. That is true consecration. वो सच्चा समर्पण है. You know, so it is different from what we have heard. और ये उससे बिल्कुल विभिन्न है जो कि हमने सुना. Then what I have understood in my early days. और जो कुछ मैंने अपने शुरू के दिनों में समझा. Many today seem to say that they have consecrated. Now I don't use it for myself, but it's under the Lord. और बहुत से लोग इस प्रकार से समझते हैं कि उन्होंने समर्पण दे दिया है और अब इसका प्रयोग अब मेरे लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए किया जाएगा. I used to sing for the world at one time. Now I sing under the Lord. और एक समय में मैं संसार के लिए गाया करता था परंतु प्रभु के लिए गाऊंगा. Now I have become worship leader. अब मैं I have worship ministry. आराधना की सेवकाई कर रहा हूँ और This मैं is a new ministry that has come up और एक नई सेवकाई charismatic संसार के अंदर उभरी है. Which is called worship ministry. जिसको कि आराधना की सेवकाई कहा जाता है. We don't see that in the scripture. हम उसको वचन में नहीं पाते. Saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों. This is what we see all around us. यही सब कुछ हम अपने चारों ओर देखते हैं. That kind of consecration falls short of God's real working. और इस प्रकार का समर्पण जो है वो परमेश्वर के वास्तविक जो कार्य हैं उसमें नहीं है. But that which now you have consecrated to the Lord, there got to be the lordship of the Lord working in that area. परंतु अब जो समर्पण आपने किया है प्रभु के लिए, उसके अंदर उस क्षेत्र में अब प्रभु की प्रभुता होनी चाहिए. Yes. और उसका कार्य होना चाहिए. Upon those faculties. और वो क्षमताएं जो हैं,
upon those things that you have now surrendered to the Lord. और उन वस्तुओं पर जिनको आपने प्रभु के लिए समर्पित कर दिया है. Allowing the cross to work in those places. और उन क्षेत्रों में अब क्रूस को अनुमति देनी है कि this वो is what is missing today. और इसी चीज की कमी है आज. Even those things now you have given to the Lord. और वो वस्तुएं जो कि प्रभु को आपने समर्पित कर दी. No more under the world. और अब संसार के लिए but नहीं. But under the Lord. परंतु प्रभु के लिए it is true. और ये सत्य है. But is that within the lordship of the Lord and the working of the cross. और अब वो प्रभु की प्रभुता में है और क्रूस के कार्य उसमें हो रहे हैं. Here is where we experience the difference. यहीं पर हम उस अंतर का अनुभव करते हैं. Here we find the distance. और यहां पर हम उस दूरी को देखते हैं. And that is the meaning of 40 years. और वो ही उन 40 लंबे वर्षों का. Do you understand this language? क्या आप इस भाषा को समझते हैं? This is the meaning of 40 long years. और यही उन 40 लंबे वर्षों का अर्थ है. The Lord not having his place. परमेश्वर अपना स्थान नहीं पा सका. The cross not having its place. और क्रूस अपना स्थान नहीं पा सकता. Saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, वी आर बॉर्न अगेन पीपल. हम नया जन्म पाए हुए लोग, baptized people. बपतिस्मा पाए हुए हैं. Fill in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरे गए हैं. Having the gifts of the Spirit. और आत्मा के वरदान भी हमारे पास प्राप्त है. But परंतु we need to see the otherness of Christ. जो मसीह की विभिन्नता है, दूसरापन है, उसको भी देखने की आवश्यकता है. Are we open for God to work into our lives? क्या हम परमेश्वर के लिए खुले हैं कि वो हमारे जीवनों में कार्य करे? The children of Israel were open for that work, that constituting work in their lives. इस्राएली बच्चे खुले थे कि वो बनाने का कार्य उनके जीवनों में किया जाए. Then the 11 days were they were enough for them. तो वो 11 दिन की यात्रा उनके लिए काफी थी. But परंतु it took a longer time. उन्होंने एक लंबा समय ले लिया. There is a work to be done. एक कार्य का होना आवश्यक है. Work to be done in their lives. एक कार्य जो उनके जीवनों में होना आवश्यक है. As we heard, it is not a straight entry into the fullness of God. और जैसे हमने सुना कि परमेश्वर की परिपूर्णता के अंदर सीधा प्रवेश नहीं है. इट इज नॉट एन इमीडिएट ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन टू द अदर टू इट्स फुलनेस. एक तत्काल का स्थानांतर नहीं कि एक से दूसरे स्थान में उसकी परिपूर्णता. इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जस्ट अ कॉन्सेक्रेशन टुडे एंड टुमारो वी आर देयर इन दैट. और ऐसा नहीं कि आज हम समर्पण कर लेते हैं और कल हम वहां पर प्रवेश कर जाते हैं. God watches over every consecration we make. और हर एक समर्पण जो हम करते हैं परमेश्वर उसको बड़े ध्यान पूर्वक देखता है. Some time back in the month of I think January I shared a word. और कुछ समय पहले शायद दिल्ली के अंदर जनवरी के महीने में मैंने वचन दिया इस समर्पण के ऊपर. You know, God is going to bring those consecrations and he's going to test us there on those areas. और जो समर्पण हमने किए हैं परमेश्वर उनको लाकर उन क्षेत्रों के अंदर उसकी परीक्षा करेगा. We may forget what we have said unto the Lord. हम भूल सकते हैं कि जो हमने परमेश्वर से
कहा था. But he doesn't forget what we said to him in those moments of consecration. कि उस समर्पण के अवसर पर हमने प्रभु से क्या कहा था. And he will tell us, my son, this is not what you told me that day in that camp meeting. और वो हमसे कहेगा कि मेरे पुत्र उस कैंप की सभा के अंदर ये वो बात नहीं जो तूने मुझसे कही थी. In that camp meeting, my daughter, this is not what you said when you made that prayer and consecrated yourself. हे मेरी पुत्री, उस कैंप की सभा में जब तूने वो प्रार्थना की और अपना समर्पण किया, ये बात नहीं थी उसमें. He will bring you to that original ground in that moment and in that time. और उस समय के अंदर, उस क्षण में, उस पहले के स्थान में वो आपको ले आएगा. Yes. So it's not a matter that we consecrate and then we are there the next day or that same moment. So ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपना समर्पण दे दें और फिर दूसरे दिन ही हम उसमें प्रवेश कर जाएं. God wants to work in us in these days. परमेश्वर चाहता है कि इन दिनों में वो हमारे भीतर कार्य करे. Christ is altogether different than what we are in ourselves. मसीह उससे बिल्कुल विभिन्न है जो हम खुद अपने अंदर हैं. Yes. He is so other than what we are. जो कुछ हम हैं मसीह उससे बिल्कुल विभिन्न है. So something has to happen in us. God must work in us in these days that this distance is brought low or narrow. और कुछ कार्य होना है हमारे भीतर. परमेश्वर ने इस कार्य को पूरा करना है कि ये मसीह और हमारे बीच की जो खाई है इसको पाट दिया जाए और कम कर दिया जाए. Our minds have to be worked upon. हमारे मस्तिष्कों के ऊपर कार्य होना है. There has to be a change in our mentality, in our attitude, in our thoughts. हमारी विचार धारणाओं में, सोच विचार में, हमारे दृष्टिकोणों के अंदर एक कार्य होना है. As Paul says to the Romans in chapter 12, our minds have to be renewed. जिस प्रकार से रोमियो की पुस्तक में 12वें अध्याय के अंदर पौलुस रोमियो को कहता है कि हमारे मस्तिष्कों का एक नवीकरण होना. Our minds must be renewed by the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे मस्तिष्क का नवीकरण होना चाहिए. We have a different mindset on things. वस्तुओं के विषय में हमारा मस्तिष्क कुछ बिल्कुल विभिन्न है. And God wants to renew our minds. और परमेश्वर चाहता है एक नवीनीकरण का कार्य हमारे मस्तिष्क में. We have altogether a different outlook than what He has. और जिस प्रकार से हम वस्तुओं को देखते हैं उस प्रकार से वो नहीं देखता. वो हमारा देखना बिल्कुल विभिन्न है. It is so different and you have seen the difference between how you see things and how God sees things. और हमने उस अंतर को देख लिया है कि किस प्रकार से हम वस्तुओं को देखते हैं और किस प्रकार से परमेश्वर देखता है. And it is a constitutional matter. और ये एक बनाने का विषय है. It is not just a doctrinal matter. और ये केवल शिक्षा की बात नहीं है. May we realize this. और इस बात को हम जान लें. It is not a doctrinal matter. It is a constitutional matter. और ये नियम या शिक्षा की बात नहीं, परंतु एक बनाने का कार्य होना है. And may God help us. और परमेश्वर हमारी सहायता करे. It is not a doctrinal matter. और ये कोई शिक्षा का विषय नहीं. If it was a doctrinal matter, we are already there, saints of God. और यदि शिक्षा की बात होती तो हम पहले ही वहां पहुंच चुके हैं. So much of doctrine we have heard. इतनी शिक्षा हम सुनते चले आ रहे हैं. But it's not a matter of doctrine. परंतु ये शिक्षा का विषय नहीं. It's a matter of constitution. ये बनाने का विषय है. And this is something we have heard for years, matter of constitution. और इस बनाने के विषय में कई वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं. You have heard this. आपने सुना है इसे. But I must emphasize this again this morning. परंतु उस पर मैं फिर से ध्यान दूंगा आज सुबह. Because this is the meaning of God's dealings with us. क्योंकि यही वो अर्थ है कि परमेश्वर का कार्य हमारे भीतर क्यों होना है. To bring us into
a new mentality. कि हमारे अंदर वो एक नई मस्तिष्क को उत्पन्न करे. To bring us into a new conception. और एक नए विचार धारणा को वो हमारे अंदर लाए. To bring us to another. और वो दूसरे में हमको उंडेल दे. Not our old one being transferred. और ना कि हमारा पुराना जो था उसी को फिर से दूसरा स्थान दे दिया जाए. But this is altogether other than what we are, into which God wants to bring us. जिसमें परमेश्वर हमें लाना चाहता है, जो कुछ हम हैं उससे ये बिल्कुल विभिन्न होगा. This is the work. ये वो कार्य है. This is the work God wants to do in you and in me in these days. और यही वो कार्य है जो परमेश्वर आप में और मुझ में इन दिनों में करना चाहता है. This is the distance. और यही वो दूरी है. It is not the distance of time. ये समय की बात नहीं, उसकी दूरी नहीं. It is not the distance which is geographic. या कोई ऐसे प्राकृतिक स्थानों के बीच की दूरी नहीं है. It's a distance of difference. ये अंतर की दूरी है. And our progress. और हमारी उन्नति. Would squarely depend upon how we learn this lesson in our lives. वो पूरी रीति से इस बात पर निर्भर है कि हम इस पाठ को अपने जीवन में किस प्रकार से सीखते हैं. Our progress slower or faster. हमारी उन्नति जो है वो धीमी है या तेज गति से चल रही है. It would all depend upon how we learn this lesson, the otherness of Christ. इसी पर निर्भर है कि किस प्रकार से हम इस पाठ को सीखते हैं कि मसीह की विभिन्नता हमसे क्या है. As I shared right at the first session, और जैसे पहली सभा के अंदर मैंने बतलाया, it's not a matter of how many years we have been associated with this company of saints. और विषय ये नहीं है कि कितने वर्षों से हम इस झुंड के साथ जुड़े हुए हैं. It's not a matter of time. समय की भी बात नहीं है. It's a matter of how much we have learned this lesson in our lives. मुख्य विषय यह है कि हमने इस पाठ को अपने जीवन में कहां तक सीखा है. And I can tell you, saints, it doesn't have to be 40 years. और मैं ये कह सकता हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे लिए 40 वर्षों का होना आवश्यक नहीं है. It doesn't have to be 40 years. हमारे लिए 40 वर्षों की अवधि की आवश्यकता नहीं. I want to say, और मैं ये कहना चाहता हूं, God has not fixed the time. परमेश्वर ने समय को नियुक्त नहीं किया है. God has not fixed the time for you. आपके लिए परमेश्वर ने समय की नियुक्ति नहीं की और मेरे लिए भी. Not 40 years. 40 वर्ष भी नहीं. And it need not to be. और ऐसा होना भी नहीं चाहिए. And he never did. और ना उसने कभी ऐसा किया. He never did fix the time. उसने कभी समय को नियुक्त नहीं किया. Yes. And may we be sensitive to the spirit of God and to this word. और हम परमेश्वर की आत्मा से संवेदनशील हो जाए और उसके वचन से भी. Listen, saints of God, I'm going to close soon. सावधानी से सुने परमेश्वर के प्रिय लोगों, जल्द ही मैं समाप्त करूंगा. The secret of our spiritual progress. हमारे आत्मिक उन्नति का रहस्य. What is the secret of it? उसका रहस्य क्या है? In other words, दूसरे शब्दों में, it is the letting go of our own will. हमारी अपनी इच्छा का तिरस्कार कर देना. It is the letting go of our own mind. हमारे अपने खुद के मस्तिष्क का तिरस्कार कर देना. It
to that which is his will and his mind. उसके लिए जो उसकी इच्छा और उसकी मनसा है. And may God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे. God has not timed this wilderness for any one of us. परमेश्वर ने हम में से किसी एक के लिए इस जंगल बयाबान की अवस्था को समय में नहीं बांधा. This wilderness is a must for everyone. परंतु हम में से प्रत्येक जन के लिए ये जंगल बयाबान की अवस्था आवश्यक है. But he has never timed it for us. परंतु उसने इसके अंदर समय की अवधि को नहीं रखा. What is God doing in us in these days? परमेश्वर हमारे भीतर इन दिनों में क्या कर रहा है? Our will can never fulfill what He has purposed in our lives. Faith in the Father and faith in the Son, faith in the Holy Ghost, victories are won. Demons will tremble and sinners away. Faith in Christ Jesus can anything break. Faith in the Father and faith in the Son. Faith in the Holy Ghost, victories are won. Demons will tremble and sinners away. Faith in Christ Jesus can anything break. Faith in the Father.